हमको क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स व्हेन यू इक्वल टू लॉग टेन वाई बाई एक्स। ठीक है, तो u को अगर हम क्या करें, पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें फिर x के रिस्पेक्ट में, या पहले x के रिस्पेक्ट में करें फिर y के रिस्पेक्ट में, दोनों वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए बराबर है, ये बात हमको प्रूफ करना है। तो पहले क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, डे u अपॉन डेल y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पहले इस पोर्शन की बात करते हैं फिर इसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो log tan y by x को। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, log x के बारे में बात करते हैं, तो log x का डिफ्रेंशिएशन, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 by x होता है, तो वैसे ही होगा। तो log समथिंग का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x की जगह पे क्या है, tan y by x है, तो वो आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, चेन रूल लगा के इस tan को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर और जो चीज़ उसके थीटा में है वो आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, y by x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस बार क्या करेंगे, y by x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये बात याद रखना, तो y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और 1 by x तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या क्या बोला, पहले बोलो कि log x लिखा हुआ है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर इस x को चेन रूल लगा के डिफ्रेंशिएट किया, तो इस x का x क्या है, tan y, tan y by x है। तो अगर हम क्या करते हैं, टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिलता है, सेक स्क्वायर एक्स मिलता है, तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे वाई बाई एक्स है, तो वाई बाई एक्स आ गया। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले पोर्शन में वाई बाई एक्स है, तो फिर क्या करेंगे, फिर फर्दर हम डी डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स करेंगे। लेकिन देखो डिफ्रेंशिएशन हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और वो भी पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के टाइम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो तो चलता है, लेकिन जो चीज़ बच रहा है वो बाहर जाता है, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो 1 बाई एक्स बाहर हो गया था और y का रिस्पेक्ट में 1 हो गया। अरे यार चलो कोई बात, क्या करते हैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो देखो क्या मिलेगा हमको, टेन को ऊपर ले जाओ तो क्या मिल जाएगा, कॉट y बाई एक्स और sec स्क्वायर y बाई एक्स, sec स्क्वायर y बाई एक्स और वन बाई एक्स तो बाहर है, उसको बाहर रख लो। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो 1 बाई एक्स यहाँ पे है, cot को क्या लिख सकते हो आप, cos y बाई एक्स इंटू सॉरी अपान sin y बाई एक्स लिख सकते हो, और sec स्क्वायर y बाई एक्स को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर y बाई एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिंपली 1 बाई एक्स और अपान में क्या बचेगा, साइन वाई बाई एक्स इंटू में क्या, कॉस वाई बाई एक्स बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको मामला पता है साइन 2 थीटा का, वो कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो वही यूज कर लेते हैं, तो नीचे क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है, वाई बाई एक्स है, तो वाई बाई एक्स यूज हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो x तो बाहर है, उसको बाहर रहने दो, क्या जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक है, अब क्या करूँ, साइन को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा, तो क्या बन गया, कोसेक 2 थीटा बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपने डे यू अपॉन डेल वाई को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डे यू अपॉन डेल वाई को पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तुमको क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इस बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक्स है नीचे और ऊपर कोसेक 2 थीटा है, मतलब हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, थीटा हटाओ यार, थीटा की जगह वाई बाई एक्स है, उसको लिखो, वो तो फॉर्मूला है ना, कोई बात नहीं। तो 2 ये कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर रख लो। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, एक्स सॉरी कोसेक 2 वाई बाई एक्स और अपान में एक्स को, तो नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यू वाई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, ऊपर बिन बैक क्या करेंगे, एक्स बाहर रखेंगे और कोसेक 2 वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं, लिखा हुआ डी डी एक्स ऑफ कोसेक 2 थीटा, तो ये कितना होता है, माइनस 2 कोसेक 2 थीटा कोट 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थीटा की जगह पे वाई बाई एक्स है, तो बस चेन रूल लगा के वाई बाई एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर लेना, और सभी चीज़ सेम ही रहेंगी, जैसा उसने लिखा हुआ है वैसा ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले माइनस 2 कोसेक 2 थीटा, थीटा के जगह पे क्या है, वाई बाई एक्स है, तो वाई बाई एक्स यूज कर लो, फिर क्या, कॉट
टू थीटा, थीटा की जगह पे क्या है वाई बाई एक्स है तो वो यूज कर लो। अब बस फर्क क्या होगा, थीटा को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, थीटा क्या है वाई बाई एक्स से, वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाई तो बाहर रहेगा, मतलब वन बाई एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कितना मिलेगा माइनस के वन बाई यक्स स्क्वायर मिलेगा, ये बात क्लियर हो गया। फिर क्या माइनस, इस बार क्या होगा कोसेक टू वाई बाई एक्स बाहर रहेगा और क्या x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, फॉर्मूला में क्या होता है थीटा होता है तो थीटा तक रुक जाते हैं, यहाँ पर थीटा की जगह पे y बाई एक्स है तो बस कुछ किया नहीं, फॉर्मूला यूज किया और y बाई एक्स को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस हट जाएगा तो यहाँ पे क्या है यक्स स्क्वायर है नीचे, यक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यक्स यहाँ पे है। ठीक है, ये यक्स ऊपर था ना, यक्स अपान यक्स स्क्वायर है तो होगा क्या वन बाई एक्स बचेगा, वन बाई एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुई क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमको लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, इसको क्या कर लेते हैं एक से लिख लेते हैं और फिर क्या आर एच एस की बात करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास डे स्क्वायर यू अपान डेल एक्स डेल वाई, इसका वैल्यू कितना मिला हमारे पास टू अपान एक्स क्यूब टू कोसेक टू वाई बाई एक्स कोट टू वाई बाई एक्स माइनस कोसेक टू वाई बाई एक्स मिला। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, हो गया, चलो रब कर दे। अब क्या करते हैं अपने u को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, u क्या है वही वाला जो पहले पहले वही है u, या यू अभी भी वही है। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लॉग का क्या हो जाएगा, लॉग ही समथिंग का वन अपॉन टेन वाई बाई एक्स हो जाएगा। फिर क्या है टेन को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर वाई बाई एक्स हो जाएगा, फिर वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन इस बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई ऊपर का कॉन्स्टेंट वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इतने पोर्शन को जो भी हमने किया था पिछली अभी इस वाले टाइम पे उतना ही सब कर देना, बस क्या आएगा आपको लास्ट में टू कोसेक टू थीटा मतलब वाई बाई एक्स मिलेगा, जैसा प्रोसीजर इसमें किया था वही सब कर देना, बस ये कॉन्स्टेंट यही वाला बाहर आने वाला है। ठीक है, माइनस के वन बाई एक्स स्क्वायर और इस ये तो जैसा हमने बस रीअरेंज किया था ना वही करना था। तो ये मिल गया हमको डे यू अपान डेल एक्स का वैल्यू। अब क्या करते हैं इसको हम पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में डे यू अपान डेल एक्स को, तो क्या मिल जाएगा हमको डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई डेल एक्स का कुछ ज़्यादा ही या डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई डेल एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो ये एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट ट्रीट होने वाला है तो माइनस टू अपान एक्स स्क्वायर को बाहर ही कर लो, सिर्फ हमारे पास क्या बचा कोसेक टू वाई बाई एक्स, सिर्फ एक ही चीज़ बचा, नहीं यार कुछ और भी बचना चाहिए था, हाँ वाई भी बचना चाहिए था ना, कहाँ गया यहाँ पे वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट किया था ना तो वाई भी तो बचना चाहिए, तभी तो बोल रहे हैं दो चीज़ रहेगा तभी ना प्रोडक्ट रूल लगेगा तभी ना ऐसा बनेगा। देखो इसको सॉल्व किया था तो ये आ गया था, इसको इसको सॉल्व किया था तो ये आ गया था, लेकिन यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऊपर वाला वाई तो कांस्टेंट था ना तो वो वाला तो रहेगा ही, तो हमारे पास फिलहाल में क्या है वाई है और ये है कोसेक टू वाई बाई एक्स है, तो पहले क्या करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले वाई को बाहर रख लेते हैं और कोसेक टू वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वही जो फॉर्मूला हमने लगाया था वही लगा देना, कितना आएगा माइनस का टू कोसेक टू थीटा, थीटा की जगह पे वाई बाई एक्स आएगा कॉट टू थीटा, टू थीटा की जगह पे क्या वाई बाई एक्स है, फिर थीटा को डिफरेंशिएट करो, थीटा क्या है वाई बाई एक्स है, थीटा क्या है थीटा है हमारे पास वाई बाई एक्स जिसको डिफरेंशिएट करना है वाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा डी बाई डेल वाई करना है किसका वाई बाई एक्स का, तो एक्स तो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, बचा बचा क्या डे वाई बाई डे वाई मतलब वन मतलब वन बाई एक्स बचा, तो वन बाई एक्स चलो यहाँ पे कर लो, फिर क्या माइनस कोसेक टू वाई बाई एक्स बाहर और वाई का वाई का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो गया। चलो इस बार तो डिवीजन का प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, एक्स को यहाँ ला दो क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया। अब देखो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड, मैच करो वो आ रहा है सही कि नहीं आ रहा है, सही तो आना भी चाहिए क्योंकि तो यहाँ पे माइनस ये कट गया तो टू अपान एक्स क्यूब टू 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 वाई कहाँ पे गया कोसेक, बहुत बड़ी ट्रेटजी है यार, बहुत बड़ी ट्रेटजी है,